सबको नमस्कार, कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। मैं हिमाचली मॉम आपका अपने ब्लॉग में वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज है जी हमारा सोमवार है, आज मंडे है 21 अगस्त है। तो पिछले 2 दिनों में मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। बहुत से कमेंट रहते हैं कि भाई आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, पर्सनली भी और इंस्टा पे भी, ज़्यादातर जो है इंस्टा पे, और जिनके पास मेरे मोबाइल नंबर है तो वो नंबर पे भी मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि आपका जो है ब्लॉग क्यों नहीं आया। एक्चुअल में हुआ क्या, सैटरडे की सुबह मैं ब्लॉग बना रही थी, वो बना है, एडिट करके मैं आप तक वो पहुँचा भी दूँगी। और फिर शाम के टाइम तक जो है हमें निकलना पड़ा यहाँ से, कहीं गए हम, मम्मी थे, मैं थे और पूरी फैमिली हम गए। फिर जैसे ही हम जहाँ गए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे फोन आ गया मेरे मम्मी का, और अचानक से मेरे नान के साइड मेरे मामू का बेटा ओनली 6-7 साल का, 6.5-7 साल का, तो उसकी जो है डेथ हो गई। अभी इतना छोटा बच्चा, जैसे ही न्यूज़ सुनी वैसे ही हाथ पैर तो सुन्नी हो गई, क्योंकि बच्चे को अगर कुछ होता है ना तो देखो अब आप खुद ही समझ सकते हो। बच्चों के लिए तो मतलब कि मन में कभी ऐसा ख्याल आता भी नहीं है। तो मेरे छोटे नाना जी है, वो उनके पोते थे, वो तो उनकी डेथ हो गई। और फिर जैसे ही फिर हम शाम को वापस घर आए, फिर मैंने एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की, कल उधर था फिर जाना वगैरह। फिर अभी बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, इवन कि अमेरिका जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं ही हैं, उधर से भी कर रहे हैं बार बार। फिर इतने में एक एक को रिप्लाई कब करूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ, तभी मेरे जो है व्लॉग नहीं आए, मेरे वीडियो 2 दिन से नहीं आए, क्योंकि मेरे जो है व्लॉग्स हमेशा ही आते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी वीडियो नहीं आती है। तो ऐसे हो गया, अभी इतना छोटा था, बीमार भी नहीं था, मतलब कि अचानक से ही ऐसे हो गया। और हम सब मुश्किल में है, लगता ही है, अब आप समझ सकते हो ये दौर कैसा है। एक ही बेटा था उनका, और अब बोलेंगे आप कि मेरे मामा जी का बेटा जो है इतना छोटा क्यों है, तो वो मेरे छोटे नाना जी का बेटा है, पोता है, सॉरी, छोटे नाना जी का, इस वजह से। बाकी मम्मी फिर जहाँ हम गए थे वहीं रह गए, क्योंकि वहाँ पे भी हम इमरजेंसी में ही गए थे। बाकी क्या गए थे, क्यों गए थे, वो तो मैं आपको ब्लॉग में बता ही दूंगी जो मेरा आगे ब्लॉग आएगा। बाकी बाहर से आवाज़ें आ रही है, अभी अभी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हमारे इधर काम पे भी लगे हैं, सारा कुछ इकट्ठा इकट्ठा। और बहुत सी इंक्वायरीज भी आ रही थी कि आपकी जो है, आपके जो आगे घर है शिल्पा का घर, तो वो वहाँ पे क्या है, कैसे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी अभी यहाँ पे हिमाचल में सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, अभी क्या ही बोले। पर हम लोगों के क्या है, वैसे मैक्सिमम जगह पे साफ ही है, रेड अलर्ट में भी बारिश नहीं हुई, आज भी रेड अलर्ट था, बाहर अच्छी धूप खिली हुई है, जो कि अच्छा भी है। अगर मान लो यहाँ पे धूप नहीं खिलेगी ना, क्योंकि घर के घर जो है अब ऐसे हैं कि कुछ घर तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जोन में है, बाकी धूप ऐसी ही खिली रहनी चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे मतलब कि एक होता नहीं है कि अभी क्या बोलूँ मैं आपको, वैसे है, बाकी लाइफ जो है ऐसी ही है। बाकी रौनक के पापा आज काम पे गए, क्योंकि जैसे ही धूप खुलती है वैसे ही उनको जाना पड़ता है बाहर। हमारा काम चला हुआ है, जो हमारा स्लाइड है उसको, जो वहाँ पे खतरे में है उसको हम आज ठीक कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी पानी ना जाए, नुकसान ना हो। हम कितने उस पे रहेंगे कि भाई हाँ आगे कोई आएगा, कोई हमारी हेल्प करेगा, हमारे को अपनी हेल्प अब खुद ही करनी होगी। इससे ज़्यादा मतलब कि हर जगह अब हर कुछ ही हो गया है। अभी जैसे कि आपको पता ही है, शिमला में भी इतना लैंडस्लाइड, इधर भी इतना लैंडस्लाइड, और बच्चों के तो ये है कि स्कूल भी खुल चुके हैं, हमारे स्कूल भी नहीं खुले हैं, क्योंकि मिशन स्कूल, मुझे नहीं पता है, वो रोड तो वैसे थ्रू है, ये आरटीओ का, उसमें कोई अभी नहीं गया है आगे, क्लीन चिट नहीं मिला है। तो बच्चे ऐसी जगह से भी आते हैं जो स्लाइड एरिया से आते हैं, वो भी नहीं खुला है, सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है, और समझ नहीं आ रहा है। अगस्त हो गया है, सितंबर है, फिर अक्टूबर है, नवंबर में तो एंड में पेपर भी हो जाते हैं, अभी फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट जो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट जो हाफ ईयरली होते हैं, वो भी नहीं हुए हैं। तो बस यही वजह थी मेरा ब्लॉग नहीं आने की। अभी ऐसे होता है कि ऐसे
मतलब कि जैसे सोते भी है ना तो ऐसे लगता है कि ऐसे क्या हो गया, मतलब कि खुद ही सोचो अभी ऐ तो बहुत ऐसी सिचुएशन है ना, मुंह के सामने सामने ही पता नहीं क्या हो रहा है। कोरोना से भी ज़्यादा सिचुएशन अभी है। बाकी जब मम्मी आएंगे तब मैं आपके साथ, मम्मी क्या मैं आपके साथ कल या परसों जब भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, जो मेरा पिछला बना हुआ व्लॉग था जिसकी मैंने एडिटिंग नहीं की, वो आप तक शेयर कर दूंगी। और चलिए छोटा सा मेरा ये वीडियो था, इसको मैं अभी यहीं पे ही एंड कर दूंगी और मिलूंगी नए से ब्लॉग में। बाय।